गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। आज हम प्रीपोजिशन डिस्कस करेंगे इन और फ्रॉम। दो प्रीपोजिशन डिस्कस करेंगे, इन और फ्रॉम। तो इन का मीनिंग हिंदी में क्या होता है? मेन। अब इसके यूजेस, हम कहां कहां प्रीपोजिशन इनको यूज करते हैं वो डिस्कस करेंगे। बिग सिटी से पहले, बिग सिटीज, स्टेट से पहले, कंट्री से पहले, बिग सिटी से पहले, स्टेट से पहले, कंट्री से पहले हम कौन सी प्रीपोजिशन का यूज करते हैं? प्रीपोजिशन इन का। फॉर एग्जांपल, I live in Delhi. They live in Haryana. She lives in India. आप देख रहे हैं यहाँ जो दिल्ली है, बिग सिटी है, हरियाणा स्टेट है और इंडिया आपका कंट्री है। तो बिग सिटी से पहले, स्टेट से पहले, कंट्री से पहले हम प्रीपोजिशन इनका यूज करेंगे। एक और इसका मेजर यूज क्या है कि किसी पर्टिकुलर जगह के अंदर किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए भी हम जिसका यूज करते हैं इन का। टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ पर्सन थिंग इन ए पर्टिकुलर प्लेस, किसी निश्चित स्थान के अंदर वस्तु अथवा व्यक्ति की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए हम जिसका यूज करते हैं प्रीपोजिशन इन का। For example, first of all, to describe a position of person and thing in a particular place. किसी निश्चित स्थान के अंदर वस्तु अथवा व्यक्ति की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए हम प्रीपोजिशन इन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स in the classroom. Classroom एक particular place है जहां पे बच्चे पढ़ते हैं। तो जो students हैं उनकी position क्या है कि वो classroom के अंदर है। तो उनका काम क्या है? पढ़ना है। और classroom में एक particular place है। तो जब हम किसी निश्चित स्थान के अंदर वस्तु अथवा व्यक्ति की पोजीशन को स्पष्ट करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, तो हम प्रीपोजिशन इन का यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है हमारी ऑफ।